तस्वीरां दिखा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के पिता वोट पाउण दे लई पहुंचे ने, बलकौर सिंह पहुंचे ने वोट पाउण दे लई। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करन दे लई सिद्धू मूसेवाले के पिता मरहूम सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जोड़े ने अपने वोटिंग पोलिंग बूथ जोड़े ने पहुंचे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करन दे लई। वोटिंग प्रक्रिया नूं फॉलो कर रहे ने बलकौर सिंह दे वल्लों अपने मताधिकार का इस्तेमाल जोड़ा है किया जा रहा है। लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जोड़े ने पोलिंग बूथ ते पहुंचे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बलकौर सिंह दे वल्लों वोट पाई जा रही है, तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं बलकौर सिंह दे वल्लों वोट पाई जा रही है ते बलकौर सिंह ने हुण वोट पा दित्ती है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं बलकौर सिंह दे वल्लों वोट पा दित्ती गई है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया है। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता ने बलकौर ते उन्हां दे वल्लों बलकौर सिंह दे वल्लों अपने मताधिकार का इस्तेमाल जोड़ा है कर लिया गया है। सिक्योरिटी पूरी तरीके दे नाल नजर आ रही है, प्रबंध किए गए ने प्रॉपर ते बलकौर सिंह दे वल्लों हुण वोट जिहड़ी है अपनी पा दित्ती गई है अपने मताधिकार का। बीजेपी मोदी चला जाए, मैं तो इंडिया अलायंस की हमायत में वोट डाली है, तो मैंने प्रचार भी इंडिया अलायंस के हक में किया है, क्योंकि जो पंजाब का हमारा मेन मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, फसलों का है, MSP का है, डूंगे वाटर लेवल का है, वातावरण का है, तो इसलिए मेरी कोशिश इंडिया अलायंस लिए है। आगे मेरे सत्कार जो वोटर देश भर के जो उन्होंने फैसला करना है किसको लाना द्वारा। पिछले दिन आप राहुल गांधी को भी मिले हो, बातचीत हुई थी, एक ऐसी बात क्या हुई, क्या लगा? राहुल जी से मेरी विस्तारपूर्वक बस अपनी दुख रहा है, अपने हालात बताए उसको, और बड़ी सुकून देने वाली बात है, उन्होंने मेरी बात बड़े सत्कार से प्यार से सुनी सारी बात, और इतना मजबूत भरोसा दिया अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपकी पूरी तसल्ली करवा दें। लोगों ने आम आदमी पार्टी को लाया था पंजाब में, कहा था कि बदलाव आ गया, आपको कैसे लगा, क्या लगता है? देखो बदलाव, मैं बदलाव का विरोध नहीं करता हूँ, अगर आम पार्टी भी आई है तो मैं इसे वेलकम ही कहता हूँ, क्योंकि अगर आम पार्टी ना आती तो मेरे सत्कार जो वोटरों को फैसला लेने में आसानी ना होती, क्योंकि अभी उसने कांग्रेस भी देख ली है, अकाली भी देख ली है, और उन्होंने आम पार्टी भी देख ली है, तो तीनों का निचोड़ निकाल कर फिर अपनी वोट डालेंगे। अभी इस बार और तस्वीर साफ हो जाएगी। राहुल गांधी से मिलने के बाद आपने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तब जाके आपको इंसाफ मिलेगा, ये किस आधार पर आपने कहा कि इंसाफ इंडिया गवर्नमेंट की बनेगी तो आधार मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? देखो हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और माहौल सा भी ऐसा बना था एक दफ़ा भी इंडिया अलायंस आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी विरोध में हम तो 10 साल से रह रहे हैं और रह लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना रुख कभी चेंज नहीं करेंगे, हम जिस बुराई के साथ लड़ते हैं हमेशा लड़ते रहेंगे, हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे हमेशा। पंजाब के युवाओं पे नशा और गैंगस्टर का जो नशा वो हावी है काफ़ी, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि गवर्नमेंट उसको मैं कैसे देखता हूँ? तो बड़ी साफ बात है, मेरे को तो लगता है मैं गैंगस्टरवाद के और इस बुराई के ऊपर PhD कर लूँ, मैं इतना इसके ऊपर मंथन किया है, इतना इस समस्या को नज़दीक होकर देखा है। नशा और गैंगस्टरवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर आप गैंगस्टरवाद को काबू कर लेंगे तो मेरा मानना है नशा 50% तो साथ ही साफ हो जाएगा, क्योंकि नशा बेचने वाले तस्कर है कौन है, वो सभी लठमार हैं, वो सभी कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, कानून का खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। तुसी देखो NIA के आंकड़े देखो आप, NIA ने अनाउंस किया है भी 5 करोड़ रुपया पर मंथ लॉरेंस जेल में बैठा कमा रहा है, भाई हवालात में तो एक होमगार्ड का जवान आगे खड़ा हो ना, पानी नहीं पीने देता अंदर किसी को,
वो फोन के ऊपर पूरे देश में नेटवर्क चला रहा है पूरा, और हमारा मीडिया उसकी ऐड करता है। लॉरेंस के पास में 700 शूटर,